जामघाट पर सनसनीखेज वारदात, ट्रेनी सैन्य अधिकारी को बंधक बनाया, साथी युवती से गैंगरेप। महू में फौजी अफसरों के साथ अपराध की बड़ी घटना हुई है। बदमाशों ने ट्रेनी सैन्य अधिकारी को बंधक बनाकर पीटा, उनसे रुपयों की मांग की। उन्होंने अधिकारी के साथ आई युवती से सामूहिक दुष्कर्म भी किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाश भाग निकले। प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी को बंधक बनाकर 10 लाख मांगे, साथ ही युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुए फरार। दो युवतियों के साथ पार्टी कर रहे थे ट्रेनी सैन्य अफसर। इंदौर महिला मित्रों के साथ पार्टी कर रहे दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी के साथ सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सशस्त्र बदमाशों ने ट्रेनी सैन्य अफसरों को बेरहमी से पीटा और उनके साथ की एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर फरार हो गए। वारदात में लूटपाट के इरादे से पहुंचे बदमाशों का हाथ सामने आया है। दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आईजी ग्रामीण अनुराग के मुताबिक घटना मंगलवार रात करीब 2:30 बजे की है। मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी कैप्टन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू आर्मी कॉलेज में प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं। मंगलवार रात दोनों अफसरों ने किराए पर कार मंगवाई और दो महिला मित्रों के साथ जाम गेट की ओर घूमने चले गए। कार छोटी जाम के समीप फायरिंग रेंज में खड़ी की और आपस में बातचीत करने लगे। इसी दौरान अचानक पिस्टल, चाकू और डंडे लेकर आए 8 बदमाशों ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। सैन्य अफसरों और युवतियों के साथ मारपीट कर रुपए पर्स लूट लिए। पुलिस को सूचना आई थी कि जामगेट के दो आर्मी ऑफिसर्स और उनके साथ दो लड़कियां गई थी शाम को घूमने के लिए, और वो लोग देर रात वहां पे मौजूद थे। जबकि उसी टाइम पे कुछ लोग, 6-7 लोग अभी बताया जा रहा है कि पीछे से आए और उनसे हमला किया, उनके साथ मारपीट की और दो लोगों को वहां पे बिठा के दो लोगों से बोला कि तुम लोग जाकर 10 लाख रुपए लेकर आओ, और दो लोगों को उन्होंने कहीं पे बिठा के रखा। अभी बताया जा रहा है कि दो लोग वहां पे रुके हुए थे उनके साथ भी काफी गंभीर तरह से मारपीट की गई है। पुलिस इस पूरे मैटर को बहुत गंभीरता से देख रही है। अभी पुलिस ने 4-5 टीम्स बनाई हुई है जो लगातार इसके लिए सर्चिंग भी कर रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने का पूरा प्रयास। वो चड्डी बयानदारी नहीं थे, प्रॉपर वहीं के आसपास के लोग हम लोगों को लग रहे हैं, और इस पर पुलिस पूरी तरह से 5 टीम सभी सारे थानों की लगी हुई है और सभी TIs, 5 TIs और पुलिस की बहुत सारी फोर्स अभी लगातार सर्चिंग कर रही है कि ये किसके द्वारा किया गया। फरियादी जो बता रहा है वो बता रहा है कि जो घटना का शुरू का टाइम है वो अराउंड 2:30-3 बजे के शुरू का टाइम है, परंतु उसमें दो लोग जो थे वो वहां से निकल गए थे क्योंकि उनको आरोपियों द्वारा ही भेजा गया था 10 लाख रुपए देने, तो उनके द्वारा जो बताया गया है वो काफी लेट बताया गया। पुलिस को ये फरियादी लोगों ने पहले क्या कहते 1 घंटे बाद अपने कमांडिंग ऑफिसर को अराउंड 4:30 बजे के करीब अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया, जिनके द्वारा कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद, हमारे TI भी रात्रि गश्त थे वो वहां पे पहुंचे। क्या कुछ ये अभी पूछा जा रहा है, फरियादियों से डिटेल में बात की जा रही है कि उनसे क्या लेने कर रहे हैं। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, मंडलेश्वर। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।